गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को मध्य प्रदेश में है। शाह दोपहर करीब 12 बजे जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से मंडला के लिए रवाना हुए वे आज मंडला और श्योपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोनों जगह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मंडला में शाह का कार्यक्रम 11 बजे होना था, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर बारिश होने के कारण समय बदला गया है। शाह यहां जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात मंडला के स्टेडियम ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र खटीक समेत अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। मंडला के कार्यक्रम के बाद अमित शाह करीब 1:45 पे श्योपुर के लिए रवाना होंगे। यहां पे वीर सावरकर स्टेडियम परिसर के बाहर बने हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद नगर के राम तलई हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, जहां हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे। फिर मेला मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पहुंचकर मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद यहां से भाजपा की एक अन्य जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।